कोरिएंडर के बिना हमारी हर एक रेसिपी अधूरी है फॉर टेस्ट और फॉर गार्निशिंग। तो मैं आज आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जिसे आप कोरिएंडर को एक साल तक स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सी। मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स लिया है, इसे अच्छी तरह साफ करके इसे मैंने अच्छी तरह धोप लिया है और इसे फैन के नीचे सुखा लिया है। और मुझे कुछ भी वेस्ट नहीं करना है इसलिए मैंने यहाँ पर स्टीम्स लिए और इसे मैं साफ करके फ्रीज में रख दूंगी एयरटाइट कंटेनर में। इसे आप किसी भी पेस्ट में यूज कर सकते हो। दो हफ्ते के लिए हमें स्टोर करना है कोरिएंडर, तो इसे हमें एयरटाइट कंटेनर में रखना है और इसे फ्रीज में रख देंगे हम। कोरिएंडर लीव्स लेके उसे कोई भी टिश्यू में लेके हम रैप करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन में कीजिए, सिपलॉक बैग में रख देंगे। छोटे पोर्शन में इसीलिए कि इसे एक बार निकालने के बाद हम यूज कर देंगे उसे। इसे जिपलॉक कर दीजिए, एक दिन के लिए एक पाउच इस तरह आप यूज कर सकते हो। अब इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी। कोरिएंडर को अच्छी तरह फाइनली चॉप कर लीजिए। यहाँ पर मैंने चॉकलेट मोल्ड लिया है, आप चाहे तो आइस ट्रे भी यूज कर सकते हो। अब हमें कोरिएंडर लीव्स लेके इसमें डालने हैं। अब इसमें हमें वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड कर दिया है। अब इसमें फ्रीजर में 6 से 7 घंटा फ्रीज होने के लिए रख दूंगी। मैंने इसे फ्रीज कर लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। आप देख सकते हो ये कैसे एकदम कड़क हो गया आइस की तरह। अब इसे मैं स्टोर करूंगी जिपलॉक बैग में। कोरिएंडर पाउडर के लिए इसे मैं ओवन में 2 से 3 मिनट तक माइक्रोवेव करूंगी। मैंने इसे 2 मिनट तक माइक्रोवेव कर लिया। अब इसे टर्न कर लीजिए। सिर्फ ये पूरी तरह कड़क होना चाहिए, इसे मैं और 2-3 मिनट माइक्रोवेव करूंगी। मैंने इसे और 4 मिनट तक माइक्रोवेव कर लिया। अब देख सकते कितना कुरकुरा बन गया ये। आप चाहे तो हाथों से ही कर सकते इसे, लेकिन मैं इसे ब्लेंडर जार में ब्लेंड करूंगी। यहाँ पर मैंने पाउडर बना लिए। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में या फ्रिज में। आप देख सकते हैं कितनी महीन हो चुकी है टेक्सचर में। आपको मेरे टिप्स कैसे लगे प्लीज बताइए मुझे। अगर आप चाहते हो और कोई चीज आपको स्टोर करनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसके वीडियो बना के नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। स्टे ट्यून्ड ऑन मदर ऑफ टू।